नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तर और स्वागत है आप सभी का तेज तर्रार में। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के विकासपुरी में, जहां पर एच ब्लॉक में श्री राम शोभा यात्रा निकाली जा रही है। ये जो शोभा यात्रा है रामनवमी के उत्सव पर निकाली जा रही है, और मैं आपको बता दूं ये दूसरी शोभा यात्रा है जो कि इस साल निकाली जा रही है। इसी को लेकर यहाँ पर तमाम लोगों से जुड़ेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है इस शोभा यात्रा को लेकर, क्या कुछ उनका जो है उनके बीच मन के अंदर जो भावना है छुपी है शोभा यात्रा को लेकर, उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे। जी सर, आपका नाम? जी मेरा नाम संदीप शर्मा है, और ये जो यात्रा आज हम रामनवमी श्री राम जन्मोत्सव के उसमें हम निकाल रहे हैं, ये यात्रा प्रत्येक वर्ष निकलती है। पिछले वर्ष हमने इसकी शुरुआत करी थी जब हमारा अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, तो उस उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद ने एक ये बेड़ा उठाया था कि प्रत्येक नगर में ऐसी यात्राओं का आयोजन किया जाए जिससे अपनी सनातन संस्कृति के विषय में पूरे समाज को जानकारी मिले। तो पिछले वर्ष ये यात्रा शुरू हुई थी और ये इस बार की दूसरी यात्रा है, और इसमें पूरे विकास पूरी क्षेत्र के सभी राम भक्त एकत्रित होकर के सम्मिलित होकर के यात्रा को इसको मनाते हैं। ये आने वाले समय के लिए ये एक पर्व बन जाएगा हमारे क्षेत्र का, ऐसे विचार को लेकर के इस यात्रा को शुरू करता। विकासपुरी के सभी निवासियों को बधाई देते हुए पुनः बताते हैं, पुनः अपने संकल्प को दोहराते हैं कि हम यहाँ विकासपुरी में हिंदुओं की रक्षा के लिए हमेशा कटिबद्ध है। दिल्ली में एक भी लव जिहाद नहीं होने देंगे, दिल्ली में एक भी अवैध मजार नहीं बनने देंगे, और ये हम संदेश स्पष्ट देते हैं विधर्मियों को कि दिल्ली में एक भी धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। हमारे सभी बंधु भगिनी दिल्ली में सुरक्षित रहें, सुरक्षा के साथ रहें, संस्कार प्राप्त करते रहें, इसके लिए अनेक सेवा केंद्र भी विश्व हिंदू परिषद चला रहा है। तो देखो, आपको बता दूं कि यहां से श्री हरि मंदिर से अभी ये यात्रा जो है निकलने ही वाली है, और ये यात्रा पूरे विकासपुरी में घूमेंगी, उसके बाद वापस से इसी मंदिर में लौट कर समाप्त हो जाएगी। तो आप देरी ना करते हुए पूरी यात्रा आपको दिखाएंगे, और जुड़े रहिए हमारे साथ। हम लोग के लिए बहुत गर्व है, और हिंदू धर्म के लिए बहुत गर्व की बात है, इसलिए हम चाहते हैं कि इस तरह से हम लोग अपने आइडेंटिटी अपने पहचान बना कर रखें, और इस तरह की यात्राएं निकालते रहें जिससे हम लोग सारे एकत्रित होकर इस राम के गुणगान करते रहें और राम की सेवा में बोलते रहें। बोल जय श्री राम, जय श्री राम। अपने धर्म का प्रचार करना, सनातन धर्म को बढ़ाना और रामनवमी को बड़े धूमधाम से मनाना, ये बहुत अच्छा काम यहाँ के लोग कर रहे हैं विकासपुरी के। और वैसे भी हमारा जो देश है वो धर्म से जाना जाता है, उत्सव से जाना जाता है। रामनवमी जब भगवान का जन्म हुआ, और वो भगवान जो हर एक के आत्मा में बसते हैं, उनको उत्साह से मनाना ही चाहिए, और ये पूरी टीम उसमें लगी है तो बहुत अच्छा काम किया। शोभा यात्रा
यात्रा को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या लगता है आपको कितना इससे जो है सनातन धर्म को लेकर एक मैसेज जाएगा? बहन सभी लोग धर्म के प्रति सबका आश्वस्त रहना चाहिए और धर्म के प्रति जो है हम सब को एक साथ मिलकर के धर्म अच्छी शिक्षा देता है, ना कि कोई नेगेटिव विचार। धर्म से तो हमारी संस्कृति जिंदा और संस्कृति को बनाए रखने के बहुत बड़ा जुलूस के रूप में जो देख रहे हैं, मैं तो सभी राम भक्तों को धन्यवाद देता हूँ कि इससे हमारे जो धार्मिक परंपरा से जुड़े हुए लोग हैं बहुत अच्छे हैं। इस पूरी यात्रा में सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता नजर आ रहे हैं, इस पूरी यात्रा में सुरक्षा के जो इंतजाम है वो भी पुख्ता नजर आ रहे हैं, कोई भी परेशानी नहीं हो रही, पुलिस भी प्रॉपर लगी हुई है इस पर? नहीं, बहुत दिल्ली पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम लोग कि उन्होंने पूरी जो सुरक्षा यात्रा को दे रखी है, ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया उनकी तरफ से अरेंजमेंट। मेरा नाम विकास त्यागी है, विकासपुरी सुधार समिति का चेयरमैन भी हूँ और RWH ब्लॉक का प्रेसिडेंट भी हूँ। ये जो दूसरी भव्य शोभा यात्रा आ रही है श्री राम जन्म उत्सव की, ये पहले भी अच्छी थी लेकिन अब की बार और इसमें थोड़ी जो पिछले बार त्रुटियां रह गई थी उनको पूरा करते हुए झांकियों को बढ़ाया गया है, स्टॉलें लगी हैं, सारी RWA जो हैं सोसाइटियां हैं उनसे मिलकर उनके बीच में विचार विमर्श करके स्टॉलें लगवाई हैं और लोगों ने भंडारे का इंतजाम किया है, जगह जगह श्री राम जी का स्वागत हो रहा है बड़े उत्साह से। और अगली बार जब होगी तो इसमें भी हम और जो अब की बार कमियाँ रह गई हैं उसको पूरी करेंगे और जो भी इसमें लोग हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे उनको भी बुलाएंगे। जय श्री राम। तो सर, जैसे कि इस साल पूरे भारतवर्ष में जगह जगह इस तरीके का महोत्सव हो रहा है, तो इसका उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य तो यही है, हमारे ईश देव हैं, हमारे पैतृक भगवान हैं श्री राम जी, उनको जन्म उत्सव जो है बड़े धूमधाम से मना चाहिए। काफ़ी सालों बाद हमारे तो दादा परदादाओं के ज़माने से बेचारे टेंट में थे और नरेंद्र मोदी जी ने उनको एक स्थान दिया है, मंदिर दिया है, तो ये तो उत्साह है। और अगली बार जब बिल्कुल उनका भव्य मंदिर तैयार हो जाएगा तो हो सकता है इससे भी चार पांच बड़ा भव्य शोभा यात्रा हुए। जी सर, आपका नाम? अमित अरोड़ा। तो इस पूरी यात्रा को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रभु श्री राम की यात्रा है, इसे क्या बोलना है, जय श्री राम बोलना है हमें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जी सर, आपका नाम? हरीश ओबरा है, निगम पार्षद। तो इस पूरी यात्रा को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना आपको यहाँ पे अच्छा लग रहा है, कितना उत्साह आपको महसूस हो रहा है? ये तो धार्मिक पर्व है, भगवान राम का पर्व है, उसके लिए हम ये जन जागरण जो लेके निकले हैं, एक यात्रा निकल के हैं, इससे लोगों से धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है, तो ये एक धार्मिक कार्यक्रम है, इसमें बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को। अपने धर्म के प्रति लोगों को निष्ठा होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, धर्म ही सिखाता है आदमी को समाज में कैसे रहना है। Yeah.
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।